अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एलईडी लाइट मिलेगी जी, प्रीशियस व्हाइट कलर टोन मिलेगा आपको, साइलेंटली स्टार्ट। सो फाइनेंस मैंने करवा ली है बजाज से और आज मैं अकेले यहीं से व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं और यहीं से ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। मेरा प्लान तो 110 सीसी का ही है तो, बट यहाँ पे 125 भी खड़ी है तो एक बार उस पर भी नजर मार लेते हैं थोड़ी सी लुक वाइज। सो गाइज मैंने एंटर कर लिया है एक्टिवा के शोरूम में और हमें सर बताने वाले हैं नवनीत सर। अच्छा, थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता दीजिए। ये व्हाइट वाला डिलक्स मॉडल है, ये बेसिकली आपका 6.2 वर्जन है, बीएस भारत स्टेज 6.2 के अंदर। अच्छा, गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एलईडी लाइट मिलेगी जी, प्रीशियस व्हाइट कलर टोन मिलेगा आपको, साइलेंटली स्टार्ट है ये व्हीकल आपका। पहले क्या रहता था कि अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करते थे तो गाड़ी आवाज करती थी, हाँ जी, अब ये साइलेंटली स्टार्ट है और इंजन किल स्विच भी आपको साथ में मिलेगा, आपको गाड़ी चाबी से ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये स्विच है तो आप यहीं से व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं और यहीं से ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि बार बार आपको चाबी मूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पे सर सस्पेंशन मिलते हैं मैम। ओके, यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जी, सस्पेंशन से आपको कभी भी आप गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो आपको मैम खड्डों के अंदर कम्फर्टनेस रहेगी, आपका हाथ यहाँ पे दर्द नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी चीज देखेंगे मैम, पहले फ्यूल टैंक अगर आप फ्यूल भरवाते थे आपको उठानी पड़ती थी, हाँ उठानी पड़ती थी, अब सीरियसली यहाँ पे बटन दे दिया गया है। अच्छा, आप इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो आपका अच्छा, फ्यूल टैंक ठीक है और साथ में आप एक स्टिकर देख रहे होंगे यहाँ पे, हाँ, स्टिकर है E20, हाँ। तो ये E20 मॉड्यूल है, इसमें आप इथेनॉल पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। अरे वाह, मतलब दो दो पेट्रोल हम यूज कर सकते हैं, पेट्रोल आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्मार्ट साइलेंटली टेक्नोलॉजी है, ECH के साथ है मैम, गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर आता है जिससे कि आपको मोर माइलेज मिलती है गाड़ी। जैसे अब क्या रहता था कि आप गाड़ी कभी भी लेके जाते थे, कभी भी आपने पार्क करी गाड़ी जी, तो गाड़ी का जो कार्बोरेटर होता था उसके अंदर एक फ्यूल जाता था तो वो फ्यूल आपका उड़ जाता था। अच्छा, फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है कि जहाँ आपने गाड़ी पार्क करी इंजन में से फ्यूल इंजेक्टर वापस टैंकी के अंदर पेट्रोल डाल देता है जिससे आपका जो इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी वो रहता है वो बढ़ जाती है। नाइस, तो बेसिकली ये तो इसमें कलर्स अवेलेबल है, हाँ कलर्स 6 कलर्स मिल जाएंगे मैम। अच्छा, इसके अंदर 2 कलर तो अभी आपने देखे हैं, चेरी आपका व्हाइट, सेम वेरिएंट है, सेम वेरिएंट है, नहीं वेरिएंट डिफरेंट है। अच्छा, वेरिएंट डिफरेंट है, ये आपका एच स्मार्ट वेरिएंट है। अच्छा, इसमें स्मार्ट की आती है, स्मार्ट की से ऑपरेट होता है और प्लस इसके अंदर मैम आपको अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। अच्छा, तो बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम है, बाकी सारी इंजन वाइज स्पेसिफिकेशन। दिस इज डीलक्स एंड दिस इज एच स्मार्ट। ओके ठीक है, और ये 110 सीसी है, ये 110 सीसी है। सो फिर मेरा प्लान तो 110 सीसी का ही है तो, बट यहाँ पे 125 भी खड़ी है तो एक बार उस पर भी नजर मार लेते हैं, थोड़ी सी लुक वाइज भी बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है और कलर भी खैर प्यारा ही है। तो इसमें उसके अलावा क्या फीचर्स हैं मैम? ये 125 का बेस वेरिएंट है। अच्छा, ये ड्रम वेरिएंट कहते हैं हम इसको 125 में, इट कम्स इन हैलोजन बल्ब, इसमें आपको येलो बल्ब रहेगा। अच्छा, यहाँ पे साइड्स पे एलईडी पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये एलईडी पैनल्स रहेंगे, ड्रम बेस व्हील्स रहेंगे, अलॉयस नहीं आएंगे। अच्छा, और मीटर भी प्रॉपर एनालॉग रहेगा बट सीसी बढ़ जाएगी यहाँ पे 125 सीसी। बाकी टैंक वगैरह वो सब सेम, बाकी सब टैंक सेम है, 5.11 लीटर का इसका टैंक भी है, 5.11 लीटर का उसका टैंक भी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स प्राइस तो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ बट अभी चूज कर लेते हैं, फटाफट डिसाइड करते हैं कि कौन सी लेनी है और आप भी बता दीजिएगा बेस्ट कौन सी है। वैसे इनके पास एक और खड़ी है, ये थोड़ी ना लुक वैसे देती है लाइक स्पोर्ट्स लुक है ना, स्पोर्ट्स लुक देती है, तो ये कौन सी है वैसे? मैम ये DO125। अच्छा, DO125। ओके, तो ये प्राइस सबसे हाई होगा इसका? प्राइस आया मैम, ये प्राइस आपका मैम अबव 1 लाख का कोर्स करता है आपको। अच्छा, ये कम्प्लीटली डिजिटल मीटर के साथ आती है व्हीकल। अच्छा, मैम व्हीकल के अंदर आपको डिस्क ब्रेक विद अलॉय मिलता है मैम यहाँ पे, कम्प्लीटली एच स्मार्ट व्हीकल है मैम ये। ओके, ये भी आपका मैम रिमोट ओरिएंटेड। अच्छा, रिमोट ओरिएंटेड, प्रॉपर रिमोट से ऑपरेट होता है। चलो, गाड़ी वाली फील देगी है, जो रिमोट वाले ले रहे हैं तो वो गाड़ी वाली फील दे रही है ना, स्पोर्ट्स लुक की फील देगी बिल्कुल। चलो गाइस फटाफट डिसाइड करते हैं और आपको दिखाने वाली हूँ मैं कौन सी स्कूटी लेने वाली हूँ और आज ही फाइनलाइज करेंगे, तो फटाफट बाकी आप कलर्स दिखा दीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे एक्टिवा के शोरूम पे और फाइनल कर लिया मैंने, और एक्टिवा की है, कौन सी की है, डिलक्स जो अभी आ रही थी ना स्मार्ट की वाली, वो नहीं की है, उसमें एक दो चीज़ें थी कि की भूल जाओ तो प्रॉब्लम है, किक नहीं है उसमें, तो फाइनल कर लिया और अभी आपको दिखाती हूँ। बस उसमें एसेसरीज लग रही हैं और कलर भी जो दिखाया है जो मैंने फाइनल किया वो भी अभी आप देखोगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया है रॉयल ब्लू कलर लेने वाली हूँ और अभी पेपर्स बन रहे हैं तो भैया देखो फाइंड कर रहे हैं कहाँ पे हमारा नोट किया था सब कुछ, तो फटाफट पेपर बनते हैं और आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से कलर के लिए, फटाफट बना देना और जल्दी जल्दी करवा देना भैया क्योंकि गाइस रात हो चुकी है और काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, तकरीबन 7 बजने वाले हैं और आज मैं अकेले आई हूँ, बच्चों के साथ नहीं आई। 22 तो प्राइजेज अगर बता दिए, मैंने फाइनेंस करवाई है सो बजाज से हो गई है ना, हमारी बजाज से हुई है, बजाज से हो गई है, ठीक है। सो फाइनेंस मैंने करवा ली है बजाज से और आज मैं अकेली आई हूँ गाइस, अकेली मतलब
सिर्फ देखने आई थी, पूछने आई थी और डिसाइड कर लिया। थोड़ा सा इन लोगों ने फंसा भी लिया मुझे कि लेके ही जाओ, अब आए हो तो लेके ही जाओ, क्या पैदल जाऊंगी या क्या रिक्शों पे धक्के खाऊंगी। तो अभी जस्ट रेडी हो रही है, तो फटाफट ऊपर आती है और मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी बहुत क्लिक भी करेंगे, थोड़ा बहुत शूट भी करेंगे, ठीक है। और अभी तक ये लोग सिर्फ मेरे लिए रुके हुए हैं। हाय गाइस, मेरे को अभी अभी पता चला है कि मम्मी स्कूटी ले आई है। आज जब मैं कॉलेज से आ रही थी, मम्मी ने कहा था कि न्यू स्कूटी हम लाएंगे, साथ में चलियो। तो मैं जब घर आई तो मम्मी अकेली चली गई, मेरे को लेके ही नहीं गई। एंड अभी हम आ चुके हैं मंदिर सीधा, मम्मी ने हमें घर से उठाया, सीधा इधर आ गए। ये रही स्कूटी, और मैंने अभी जस्ट अभी देखी है। अब हम इसकी पूजा वूजा करेंगे और उसके बाद इसे घर लेके जाएंगे।